नमस्कार दोस्तों, मंडे को ह्यूज गैप अप देखने को मिल सकता है हमारे इंडियन मार्केट में। अब इस गैप अप के बाद आप लोगों को क्या करना चाहिए, ये मैंने सारी स्ट्रैटेजी बताई है इस वीडियो में। मैंने आपको दो स्टॉक भी बताए हैं जो कि वेल परफॉर्म कर सकते हैं मंडे के सेशन में। और दोस्तों, मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी के आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल भी दिए हैं इस वीडियो में। सो बहुत ही वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, लाजवाब होने वाली है। मैं चाहूंगा एंड तक देखिए, और आप लोग वीडियो देखने से पहले लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, सो दैट जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, आइए हम जानते हैं बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी। सो देखिए, मेरे को अभी SGX निफ्टी शो कर रहा है, बैंक निफ्टी खुलेगा 17,500 के आसपास। दैट मीन्स बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 500 पॉइंट गैप अप खुलने को रेडी है, गैप अप खुलेगा। वहां पे क्या करके चलना है, सॉरी मैं आपको बता रहा हूं। अब देखो, दो दिन से मैं आपको एक डेटा दिखाता हूं, मार्केट गैप अप खुलता है, यानी बैंक निफ्टी गैप अप खुलता है, मोमेंटम तेजी से हो जाता है, 90% मोमेंटम हो जाता है और मार्केट और जो बैंक निफ्टी है स्टैग्नेंट हो जाता है, रेंज बाउंड हो जाता है। ठीक है, गैप अप खुला, फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद स्टैग्नेंट हो गया। पैटर्न समझ गए आप? अब सुनो कल के लिए। अब अगर कल मार्केट, अगर कल बैंक निफ्टी ऊपर खुलता है, मान लो भाई 36,900 के आसपास खुलता है या 36,800 के आसपास खुलता है किसी वजह से, ठीक है, तो वहां पे अगर रेंज, कुछ रेंज बनते हुए दिखेगा लाइक दिस, रेंज के हायर एंड टूटेगा ना तो बाय करके चलना है। ठीक है, वहां पे हो सकता है वहां पे 200 पॉइंट का आपको रैली मिल जाए। करेक्ट दोस्तों, ये होगा गैप अप खुलने के बाद, रेंज बनेगा, हाई टूटेगा, ऊपर चले जाएगा। ये रणनीति हमारा गैप अप के लिए। अब उसके बाद सेम स्ट्रक्चर हो सकता है, देखो मार्केट रेंज बाउंड हो जाए, क्योंकि लॉजिक है ना, सबने पोजीशन ली होगी एक दिन पहले और आज ऑलमोस्ट सब निकल जाएंगे, ठीक, और मार्केट कहीं नहीं जाएगा, वहीं का वहीं रह जाएगा, वही हो रहा है लगातार दो दिन से। ठीक है, पैसा किसका बन रहा है, जो लोग पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। ठीक है, सो अब क्या हो भाई, अब क्या होगा सेकेंड हाफ में कि एक रेंज बन जाएगा। ठीक है, रेंज अपना इस प्रकार से रेंज बन जाएगा, इस प्रकार से रेंज बन जाएगा। अब अगर उस रेंज का लोअर एंड टूटता है, मैं बता रहा हूं, अगर उस रेंज का लोअर एंड टूटता है तो आपको शॉर्ट करके चलना है गैप फिलिंग के टारगेट के लिए यहां पे आपका। ठीक है, यानी 36,600 के टारगेट के लिए। ठीक है, 36,600 हमारा टारगेट हो जाएगा। तो आई होप इस स्ट्रैटेजी को आप लोग समझ चुके हैं। ठीक है, बाकी अभी मेरे को ना इतना बड़ा गैप अप के बाद कोई जरूरी नहीं है कि ये हायर एंड टूटेगा। देखो तोड़ भी सकता है को, लेकिन मोस्ट ऑफ चांसेस नीचे साइड है, क्योंकि बार बार गैप अप कर करके ये रेंज डाउन हो जा रहा है। हिम्मत नहीं है लोगों की ऊपर बाइंग करने के लिए, ये रेंज के हायर एंड पे बाय करने के लिए। ठीक है, तो आप रेडी रहिएगा। बाकी अगर फ्लैट खुलता है तो 36,600 के ऊपर हम बाय करके चलेंगे, 36,900 का टारगेट होगा, 36,800 का भी टारगेट हो सकता है। ठीक है, अगर अगर फ्लैट खुलता है तो, बाकी फ्लैट खुल के अगर ये रेंज टूटता है ना भाई लोग, मान लो अगर SGX निफ्टी जैसे दिखा रहा है वैसा नहीं हुआ फॉर एग्जांपल, तो अगर 36,350 का लेवल टूटता है, दैट मींस ये लोअर एंड टूटता है, तो हमको यहां तक के गैप फिलिंग देखने को मिलेगा। लेट मी शो यू दिस, यहां पे आपको ये वाला गैप फिलिंग देखने को मिलेगा, मार्केट आ सकता है। ठीक है, दैट मींस ये लेवल है हमारा 35,800 का टारगेट देखने को मिलेगा। हम जान चुके हैं बैंक निफ्टी की रणनीति, और देखो वन डे के चार्ट पे काइंड ऑफ एक बियरिश हैमर दिख रहा है, बाकी देखते हैं भाई कल क्या होता है। दोस्तों 21 मार्च के एडवांस ऑप्शंस ट्रेडिंग कोर्स के लिए महज 3 दिन बच चुके हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऑप्शंस सीखने में, अगर आप भी हमारे तरीके से ट्रेड फाइंड आउट करना चाहते हैं ऑप्शंस में, आपने देखा नहीं है, जरूर जाके देखो टेलीग्राम में, हम आपको बेस्ट से बेस्ट ऑप्शंस ट्रेड देते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के। तो अगर आप भी फाइंड आउट करना चाहते हो वैसे ट्रेड, ज्वाइन कर सकते हो हमारा ऑनलाइन ऑप्शंस ट्रेडिंग कोर्स। इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करिए और अपनी सीट बुक करवा लीजिए। थैंक यू। जानते हैं निफ्टी का व्यू। देखिए निफ्टी है हमारा सेम वही स्ट्रक्चर है भाई, बॉक्स पैटर्न है, लेट मी शो यू, दिस इज द बॉक्स पैटर्न। अगेन दो दिन से क्या हो रहा है देख रहे हैं आप, स्टार्टिंग में भाग जा रहा है उसके बाद रेंज बाउंड, स्टार्टिंग में भाग जा रहा है उसके बाद रेंज बाउंड। सो सिंपल बैंक निफ्टी की तरह स्ट्रैटेजी। तो मार्केट का अगर निफ्टी कल ऊपर खुलता है, रेंज बनेगा, रेंज का हायर टूटेगा, बाय करके चलना 50-70 पॉइंट के टारगेट के लिए। ठीक है, बाकी उसके बाद कुछ नहीं करके चलना है, मार्केट रेंज बाउंड हो जाएगा, यानी निफ्टी रेंज बाउंड हो जाएगा, और उसके बाद अगर लोअर एंड टूटता है, मान लो बॉक्स बटन बन चुका है, और अगर भाई लोअर एंड टूटता है तो सेल करके चलना निफ्टी को फॉर द टारगेट ऑफ 17,330 के टारगेट के लिए, 17,330 के टारगेट के लिए।
ये रणनीति है। बाकी फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद अगर निफ्टी सस्टेन करता है 17,330 का लेवल, दैट मीन्स बॉक्स पैटर्न के ऊपर सस्टेन करता है, तो 17,400 के हमको लेवल देखने को मिलेंगे, ठीक है। और अगर ऐसा ना हो कि अगर ये बॉक्स पैटर्न का लोअर एंड टूटता है, लेट मी शो यू दिस एंड, देखो बॉक्स पैटर्न है ना, लोअर एंड टूटता है दोस्तों, लोअर एंड कितना है भाई 17,260 टूटता है, तो हमको 17,200 के टारगेट देखने को मिलेंगे निफ्टी में। सो हम जान चुके हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी का टोटल रणनीति। इसी के साथ हम जानते हैं हमारे पहले स्टॉक को। पहला स्टॉक है हमारा सन फार्मा, बाय करके चलना है। मैं आपको वन डे के चार्ट पे एक चीज़ दिखाता हूँ। देखिए वन डे के चार्ट पे क्या हुआ है, इसने अटेम्प्ट किया था, काइंड ऑफ डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट हो चुका है और यहाँ पे होल्ड किया था, होल्ड करने के बाद ब्रेकआउट दिया है। नाउ वी नीड टू बाय फॉर इट। नाउ दोस्तों हमको बाय करके चलना है, ठीक है। बाय कितने के ऊपर करके चलना है, जब तक हमारा 910 के ऊपर रहे, ठीक है। बाय अबव 910 स्टॉप लॉस हो जाएगा 905, टारगेट हो जाएगा 920, सेकेंड टारगेट 925। दोस्तों सेकेंड स्टॉक पर मैं आपको ले जाऊं, उससे पहले मैं आपको शो करना चाहूँगा हमारा पब्लिक और टेलीग्राम चैनल जिस पे 63,000 सब्सक्राइबर हैं। ध्यान रखिए ये हमारा रजिस्टर्ड लोगो है, ये रजिस्टर्ड लोगो है। अगर आप लोग किसी और टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हैं, किसी और फेक टेलीग्राम चैनल पर, मैं बता दूँ हमारे नाम से और लोगों ने, बहुत फ्रॉडस्टर ने फेक टेलीग्राम चैनल ओपन कर लिए हैं, तो उससे सतर्क रहिए आप लोग। VTL दिया था हमने, प्रॉफिट बुक किया हमने, पेटीएम दिया था सेल करने के लिए, बहुत शानदार हमको रिटर्न देखने को मिला, और एक में ऐसे हिट हुआ था नवीन फ्लोरिन में, बाकी शानदार दिन रहा। निफ्टी बैंक का भी हमने ट्रेड दिया था। सो दोस्तों अगर आप चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट निफ्टी, बैंक निफ्टी और कैश के ट्रेड लेना, आप लोग हमारे पब्लिक चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और मैं कमेंट में ही पिन कर दूंगा। लास्ट स्टॉक है रिलायंस, बाय करके चलना है। क्या किया रिलायंस ने, ये रेंज पैटर्न का ब्रेकआउट कर दिया, बहुत दिन से ट्राई कर रहा था, लगातार फरवरी से ट्राई कर रहा था, तो बाय करके चलना है भाई लोग, डेज हाई के ऊपर, ठीक। हम बाय करके चलेंगे इसके ऊपर, ये बॉक्स पैटर्न बना देगा काइंड ऑफ, ठीक है। तो 2497 बाय अब 2497, इसके SL और टारगेट मैं आपको अपडेट कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल में, आप लोग जरूर जाके ज्वाइन हो जाइए। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।